हिसार एयरपोर्ट क्षेत्र में मंगलवार देर रात को लगभग 15 फीट लंबा और 70 किलो वजन का रॉक पाइथन अजगर घुसने की सूचना से हड़कंप मच गया। इसे खोजने के लिए रात भर मशक्कत की गई लेकिन अजगर नहीं मिला। बुधवार सुबह एयरपोर्ट की पार्किंग में अजगर को घायल अवस्था में सिक्योरिटी गार्डों ने देखा। इसकी सूचना तुरंत वाइल्ड लाइफ की टीम को दी गई। वाइल्ड लाइफ की टीम ने लगभग 45 मिनट के बाद अजगर को काबू किया। अजगर के पेट पर चोट के 3 निशान बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में इतने बड़े अजगर का मिलना आम बात नहीं है, इसलिए कर्मचारी और अधिकारियों का अजगर को देखने के लिए जमावड़ा लग गया। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर रामेश्वर कुमार के अनुसार अजगर रॉक पाइथन नस्ल का है जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे अजगर के मिलने का यह पहला मामला है। रामेश्वर कुमार ने बताया कि यह अजगर कम जहरीला होने के कारण अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोटकर मारता है। वाइल्ड लाइफ की टीम ने कैचर की सहायता से अजगर को काबू कर रोहतक तिलियार स्थित मिनी चिड़ियाघर में छोड़ा गया। अजगर को यहां पहले से रखे गए 2 रॉक पाइथन के साथ रखा गया है। वाइल्ड लाइफ के अनुसार जंगल न मिलने के कारण अजगर वहीं डटा रहा। एक्सपर्ट्स की देखरेख में अजगर को रोहतक के चिड़ियाघर के लिए रवाना किया गया जहां अजगर का चिकित्सक उसका इलाज करेंगे। अजगर घबराया हुआ होने के कारण सामान्य स्थिति में आने के बाद उसका उपचार किया जाएगा।